मेरे बच्चे इतना प्यारी बच्चे गाइस जो आज के वीडियो होने वाला ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक्चुअली मैं यहाँ के सुबह के 5 बजे और मैं ऑलरेडी फुल एनर्जी में हूँ और 1 घंटे बाद में ट्रेन है सोल के लिए और मैं सोल अकेले नहीं जाने वाली। नो 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 नो, मैं सोल जाने वाली मेरे छोटे भाई के साथ। सेक्स नहीं, ये वाला छोटा भाई नहीं, मेरा असली वाला छोटा भाई अभय। अभी मैं आपको अभय से मिलवाती हूँ। ये रहा मेरा छोटा भाई अभय। अभय सबको हेलो बोल। हेलो। सुबह आया था कोरिया में लगभग 1 हफ्ते पहले और आज वो पहली बार मेरे साथ जाने वाला है सोल। सो आज की वीडियो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी एक लेडी सीओ के साथ मीटिंग है, उसके बाद में मैं आपको आरएम के जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं ना हाईबिन साइड के पास में वो दिखाऊंगी। आरएम बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद में मैं जाने वाली एक इंडियन इवेंट पर जहाँ पर मुझे इन्वाइट करा है। एक्चुअली उन्होंने मुझे इसलिए इन्वाइट करा है ताकि कि मैं KBS वर्ल्ड टीवी पर फीचर हो सकूं। ये वाला सेम चैनल है जहाँ पर वी ने कुछ दिन पहले परफॉर्म करा था, मतलब कि मैं सेम चैनल पर अपीयर होने वाली हूँ। तो जब वो वाला वीडियो वहाँ पर अपलोड होगा ना तो मैं आपको पिन कमेंट में बता दूंगी। गाइज मैं अभी बहुत लेट होने वाली हूँ। मैंने इस बैग के अंदर मेरी जो साड़ी और जो कुछ ज्वेलरी वगैरह ना मेकअप का सामान वो इसके अंदर डाल दिया क्योंकि सबसे पहले मेरी मीटिंग है तो मैं मीटिंग में साड़ी पहनकर नहीं जा सकती ना, तो इसलिए मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया और मैं वहाँ पर सोल में जाकर एक पब्लिक बाथरूम में साड़ी चेंज करूंगी। तभी मैं आपको डायरेक्टली सोल मीटिंग के बाद में मिलती हूँ। बाय। सो ये रहे हमारे लोग जिनके साथ मैं मीटिंग कर रही थी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोही है। सोही है। इनको हिंदी आती है? हाँ थोड़ी देर। 2 साल तक इंडिया में थे ना? हाँ। दिल्ली में? दिल्ली में। अब क्या करने वाले? मैं छुट्टी कर रहा हूँ। हाँ छुट्टी पर हो। पहली बार कंसल्टिंग कर रही थी। हम एक साथ मीटिंग कर रहे थे और अभी उन्होंने मुझे ये वाला सजेस्ट करा है तो यहाँ पर जाएंगे। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो चलो। गाइज इस शॉप में इतनी सारी क्यूट सी चीजें मिल रही थी जैसे कि शिनचांग का घर, उसकी कार, स्टेपलर, कैंची, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव थी कि मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। और इस वाले के अंदर आप यहाँ पर अगरबत्ती डाल सकते हो। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा तब आ रहा था जब सोई अबे के साथ मस्ती कर रही थी और उसके पूरे मजे ले रही थी। मैचिंग मैचिंग। क्योंकि हमें इतना मजा आ रहा था तो सोई ने बोला कि दिन को और भी यादगार बनाने के लिए हमें फोटो खींचनी चाहिए, तो वो हमें फोटो बूथ पर लेकर गई। फोटो बूथ अंदर जा। वाह वेलकम। ये ब्लू वाला मेरी शर्ट पर मैच कर रहा है। मेरे बच्चे इतना प्यारी बच्चे। अभी हमारी फोटो आने वाली है नीचे से। आने वाली है। आइए आइए। वो अंदर है, वो ह्यूमन है ना, बन रहा है। वो बना रहा है अंदर से। बना रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम रही जिसके अंदर आप फोटो ऐसे डाल सकते हो। यहाँ पर आपको न्यू जींस के ऑटोग्राफ मिलेंगे। आपको न्यू जींस पसंद है? ठीक है, मैं ज्यादातर सुनती नहीं हूँ। सुनती नहीं हो? BTS? BTS तो पसंद है। कौन है आपका फेवरेट मेंबर? BTS में? हाँ जीन। मुझे पू पू ऐसे पसंद। प्यार। मुझे भी इतनी हिंदी नहीं आती लिखना। प्यार। यू आर सो गुड। ने ओरियाई। वाओ वाओ सुनचा चल सुनने हो। आई फॉरगॉट सब भूल गया। नहीं बोले। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं जहाँ पर कैफे है। हाय। तो हिंदी मान लो सुन मांगे जिसे। ओह माय गॉड नो ओरियो ऑन दैट।해봐요. The traditional donuts 뭐라고 해석해요? 그냥 donuts. Donuts. 도리야끼 donuts. 이스카 donuts 뭐 프라시테? 캬에? What? 프라시테? 프라시테? I also don't know. 프라시테. Your Hindi is better than mine. Guys, Soy की जो हिंदी है ना वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है. Like ऐसे ये open करते हैं ना? अच्छा ये ऐसे open हो जाते हैं? ऐसे open हो जाते हैं. तो ये बंद वाली donuts नहीं है, बीच में यहाँ पर कुछ है. It's like a sandwich donuts. Exactly. You are, I'm saying joy. अबे ने पहली बार ये वाला रिमोट देखा है, कैसा लगा अबे? So guys, हमारे donuts आ गए हैं. Yummy, yummy. लेके आया. So ही लेकर आई है. यहाँ पे नौकरी कर रहा है. नौकरी कर रहे हो यहाँ पे? तो मैडम, अच्छा लगा. Tasty को हिंदी में क्या बोलते हैं? Tasty. हाँ. Swadish. Oh. That's
That's good. That's right. ये जो डोनट्स काट रही है ना वो सीईओ है जिन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था. इंतजार कर रहे हैं. हम इंतजार खाने का कि कब ये कटे कब पेट में जाए. ये वाला है क्रीम और ये वाला है बीन पाउडर पेस्ट. कमाए बे बोलो गाइस ये ट्राई करते हैं कैसा लगा. अच्छा है. स्वादिष्ट है. स्वादिष्ट नहीं अच्छा है. हम बाद में देखेंगे बाद में मिलेंगे. और हैव फन. बाय. मैंने आपको बहुत सारी बार हाई बीन साइड बिल्डिंग दिखाई और आज मैं पहली बार अबे को दिखाने वाली हूँ. और बाय द वे मेरा ये माथा इतना चमकीला क्यों हो रहा है. एनीवे हाई बीन साइड बिल्डिंग वहाँ पर ही वो कांच वाली बिल्डिंग दिख रही है ना आपको वो वाली है. अबे यहाँ पर रहा हाई बीन साइड कैसा लगा. पता नहीं पर अभी तक जोंगू के बर्थडे पोस्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट में आरएम का बर्थडे आने वाला है. ये वाला वीडियो मैंने आरएम के बर्थडे के एक दिन पहले शूट करा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आरएम को इतना अटेंशन क्यों नहीं मिलता जितना बाकी मेंबर्स को मिलता है. मतलब कि उसके बर्थडे के लिए इतने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थे शोरूम में. तो ये रहा 7-Eleven. यहाँ पर रहा हमारा आरएम. इसके डिम्पल्स तो देखो कितने क्यूट है. मेरी भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी अच्छी. तो गाइज अभी मैं और अबे यहाँ पर इस कॉफ़ी शॉप में आए जो कि मैंने आपको रेडी जोंगकुक के बर्थडे में दिखाया था. और अभी एक घंटा भी नहीं बचा है जो इंडियन इवेंट है ना जो फंक्शन है ना वहाँ पर जाने के लिए. तो ये जल्दी से साड़ी पहननी पड़ेगी और जो मेरे ये नागिन जैसे बाल है ना उनको स्ट्रेट भी करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पर इस बैग में जो मेरा हेयर स्ट्रेटनर और यहाँ पर जो मेरी ब्लैक कलर की साड़ी ना वो लेकर आई हूँ. गाइज हमें ये फ्री फंडे में ये वाला कार्ड मिला है. ये रहा मेरा हेयर स्ट्रेटनर. कैसे कैसे जुगाड़ करने पड़ते हैं. ये वाला साइड ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया और यहाँ पर इसका करना पड़ेगा. जब तक मैं मेरे हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ तब तक आप ये थोड़े बहुत डेकोरेशन देख लो इस कैफे के. मेरे बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गए हैं. परफेक्ट नहीं है लेकिन कोई बात नहीं इतना तो चलता है. और अभी मैं बाथरूम जाके मेरे जो ये वस्त्र शस्त्र है ना उनको साड़ी में चेंज करके आती हूँ. अभी जल्दी से हम ये ब्लैक वाली साड़ी पहनते हैं. बहुत सारे लोगों ने रेनबो वाली चूज करी थी लेकिन मुझे लगता है ना कि इस इवेंट के लिए ये ब्लैक वाली ज्यादा एलिगेंट रहेगी. और वो दूसरी वाली ब्लैक वाली थी ना वो बहुत ही भारी थी तो मैंने सोचा कि पूरा दिन बाहर रहना तो उसको साथ लेके जाएंगे ना तो बैग काफी भारी हो जाएगा. तो उसके लिए मैंने ये हल्की वाली लेकिन फिर भी काफी अच्छी है ना ये. By the way, ये ऐसे वाली भी मैचिंग काफी अच्छी लग रही है. मैंने फालतू में ये और भी स्टाइलिश बनाने के लिए इसके ऊपर ये वाला पहन लिया था पेटीकोट. अभी हम ये ब्लाउज पहनते हैं. ब्लाउज मैंने पहन लिया और अभी ये साड़ी बांधते हैं. गाइस साड़ी पहनने में मैंने पूरा जो बाथरूम है ना इस पल्लू के साथ साफ कर दिया. और मुझे पक्का पता है कि मैंने इस साड़ी को उल्टा पहना है. मैं ये वाली इयररिंग्स पहनने वाली हूँ. ये रही बैंगल्स. इस इवेंट के लिए ना वो मेरा इंटरव्यू भी करने वाले हैं. वो सोचेंगे कि ये कैसी इंडियन लड़की है जिसको प्रॉपरली साड़ी भी नहीं पहननी आती. वैसे तो किसी की नज़र नहीं लगने वाली क्योंकि इतनी अजीब गरीब मैंने तरीके से साड़ी पहनी है फिर भी लगा लेते हैं. और अभी टाइम हो चुका है इवेंट पर जाने के लिए. मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसे चलते चलते ये उतर ना जाए. फेवरेट मेंबर जिमिन. अंकल जी थैंक यू. अंकल जी को मेरी साड़ी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे फ्री में ये जो जिमिन के जो पोस्ट कार्ड है ना वो वाले दे दिए. यार फ्री फंडे में और भी सामान मिल गया मुझे. अभी यहाँ से अबे आने वाला है और उसने भी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं. ओह अबे यू लुक नाइस. मेरी किस्मत देखो मुझको परी मिल गई है. बिन मांगे सब तेरा कंसा मिला. Oh, done.
यार मैं इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ कि सब लोग मुझे फ्री फंडे में चीजें देना चाहते हैं। इन आंटी को मेरी साड़ी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे RM के कुछ पोस्ट कार्ड दिए। तेरे संग ही जीने का इरादा है जाना, मेरी आखिरी सांसों तक ये वादा है जाना मेरे दिल। गाइस ये है हार्ट बीटिंग का पिछवाड़ा और ये रही मेरी साड़ी। प्लीज कमेंट में बताना कि ये कैसी लग रही है। दिस इज माय थर्ड टाइम कि मैं अपने आप से साड़ी बांध रही हूँ और टोटल में मैंने साड़ी अभी तक 4 बार पहनी है। मुझे ना इन चीजों में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना। अब मेरी साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और जैसे ही मैं इंडियन इवेंट पर जा रही थी मुझे एक सब्सक्राइबर मिली। बाय। हमें टैक्सी नहीं मिल रही, 9 मिनट हो गए कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप ये वाली टैक्सी बुक करो, लेकिन मैं मरते दम तक इतनी एक्सपेंसिव टैक्सी नहीं ले सकती। गाइस मोटरसाइकिल देखते ही हमें टैक्सी मिल गई। थैंक्स टू मोटरसाइकिल का चमत्कार हमें सस्ती वाली टैक्सी मिल गई। हम इवेंट के लिए लेट होने वाले हैं लेकिन अब क्या कर सकते, टैक्सी नहीं मिली हमें। गाइज अभी हम हंगान रिवर पर पहुंच चुके हैं, अभी आपको आराम से दिखाती हूँ। वहाँ पर कोई पतंग उड़ा रहा है, हो रही। तदा गाइज यह है कोरिया का सबसे फेमस रिवर जिसका नाम है हन रिवर। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बच्चे, बुड्ढे, नौजवान, लौंडे, लौंडिया, जो कि यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं इंजॉय करने के लिए, या फिर अकेले, या फिर अपनी GF/BF के साथ। क्या मस्त चल रही है वहाँ पर। हाँ इंडिया गेट और सबके पास जो इंडियन कलर के बलून है ना वो वाले हैं इंडिया झंडे के। सो गाइस इन्होंने भी यहाँ पर जो काम करते हैं ना ये इंडियन कपड़े पहन रखे हैं। इन्होंने भी यहाँ पर ये धोती टाइप में पहन रखा है और नो मजा लुक सो नाइस। यहाँ पर म्यूजिक और योगा का बूथ है। यहाँ पर आप जो तबला होता है ना वो वाला सीख सकते। ये वाला है फ्लावर क्राउन, तो यहाँ पर आप ये जो आपको माला दिख रही है ना ये वाली बना सकते हो। एक्चुअली कुछ दिन बाद में गणेश चतुर्थी आने वाली है तो वहाँ पर रही गणेश जी की मूर्ति। ये रही मेरी सुपरवाइजर, वो मुझे बता रही कि आज की शूटिंग किस चीज के बारे में होने वाली है और मुझे क्या क्या करना है कैमरा के सामने। बेसिकली मैं कोरियन न्यूज पर आने वाली हूँ और ये जो पूरा सेगमेंट जो यहाँ पर शूट कर रहे हैं ना हम, वो आप बाद में देख सकते हो। पता नहीं कब आएगा लेकिन मैं वो लिंक डाल दूंगी कमेंट में, तो वो आप वहाँ पर फुल देख सकते हो। ये शूट करेंगे और जो KBS न्यूज वगैरह होता है ना उस पर कुछ प्रोग्राम आएगा तो हम भी आएंगे वहाँ पर। क्योंकि काफी हवा चल रही थी और मैंने मेरे बाल प्रॉपरली स्ट्रेट भी नहीं कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि फ्री फंडे में हेयर स्टाइल करवा लेते हैं, कैमरा पर अच्छा भी लगेगा। लेकिन गाइस जो फाइनल रिजल्ट है ना वो बहुत ही अजीब है। पता नहीं कुछ घोंसला वगैरह बना दिया था मेरी खोपड़ी पर। वहाँ पर हमारी पीछे शूटिंग भी चल रही है, अभी यहाँ पर कुछ पत्ते भी डाल रहे हैं। हेयर स्टाइल अंकल जी ने इतनी मेहनत से मुझे ये मस्त वाली हेयर स्टाइल दी तो थैंक यू तो बनता ही है ना। अबे मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा? फिर बाद में कैमरामैन ने मुझे बोला कि तुम जो हेना है ना जो कि मेहंदी होती है ना वो बनाओ, तो मैं बहुत खुश हो गई और बहुत एक्साइटेड हो गई। और जैसे ही मैं वहाँ पर गई मुझे पता चला कि ये मेहंदी नहीं, जो टैटूज होते ना स्टिकर वाले वो वाले हैं। शायद आपने मेरे ऊपर टैटूज देखे होंगे मेरी इंस्टाग्राम रील्स पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर, ये सच वाले टैटूज नहीं है, ये 5-10 दिन में अपने आप ही मिट जाएंगे। वैसे तो मैं ही पूरा एक गुलदस्ता लेकर घूम रही हूँ यहाँ पे। गाइज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितना प्राउड फील कर रही थी इस वक्त, क्योंकि आप और मैं कोरिया को कितना प्यार देते हैं, कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इस बार जो कोरियन लोग हैं ना वो हमारे कल्चर को, इंडियन कल्चर को इतना इंटरेस्ट और इतना प्यार दिखा रहे थे। गाइज साड़ी में चलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अभी यहाँ पर एक बाथरूम है तो वापस मैं मेरे कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि हमारी 1 घंटे बाद में वो ट्रेन नहीं बस है घर पर जाने के लिए। अभी हम इस बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आते हैं। यार ये कितनी सारी पिन है। चलो एक तो फायदा हुआ मुझे, फ्री फंडे में ये वाली पिन मिल गई। वन मोर। मैं सस्ती कॉपी मंजोलिका की लग रही हूँ। आई थिंक ये लास्ट होगा। देखो कितनी सारी पिन हो गई। ओह माय गॉड फाइनली ऐसा लग रहा है कि मेरा सर 10 किलो ज्यादा हल्का हो गया। यहाँ पर ये जो इंडिया गेट टाइप पर लगा रखा है ना वो बहुत ही मस्त है। अबे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी न्यू।
यहाँ पर थोड़ा और घूमने के बाद में और मस्त मस्त पोज वाली फोटो खिंचाने के बाद में हमने डिसाइड करा कि अभी घर पर जाने का टाइम हो गया। Guys, I'm finally back home. मैंने मेरे कपड़े भी चेंज कर लिए। जो आज का दिन था ना वो बहुत ही यू नो मजेदार दिन था। गाइज आप प्लीज कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मेरा फेवरेट पार्ट वो वाला था जब मैं सोई और जो लेडीज थी ना उनसे मिली थी। मतलब कि उन्होंने मुझे इतना प्यार इतना अपनापन दिखाया, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सालों से जानते और हमारी गहरी दोस्ती है। बहुत ही अच्छे लोग हैं। और मेरा सेकंड फेवरेट पार्ट इस वीडियो का ये था कि फाइनली कोरिया में इंडिया को सेलिब्रेट करा जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे सीढ़ना होगा। मुझे पसंद नहीं है ऐसे ओपन खुला हुआ है ना। इतना आई होप कि आपको आज के भी बहुत ही अजीब गरीब वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब अपना मत ध्यान रखना, खुश रहना, एंड यू गाइस आर द बेस्ट। अगर कोई आपको कुछ गलत बोले ना तो आप उनकी सुनना मत। यू आर द बेस्ट। मैं बोल रही हूँ ना कि आप बेस्ट हो तो आप बेस्ट हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। बाय। नौजवान इज लाइक यूथ, राइट? नौजवान नौजवान क्या है? आप नौजवान हो इसलिए नहीं थके। अबे मेरा पल्लू। सो बेसिकली कुछ दिन पहले आरएम ने अपनी इंस्टा पर ये वाली फोटो लगाई है जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हाइबिन साइट के साथ। तो इसका ये मतलब है कि बीटीएस डिसबैंड नहीं होने वाले। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये वाली न्यूज देखकर मेरे कलेजे में इतनी ठंडक पड़ी। मतलब कि मेरे बीटीएस आएंगे 2025 में वापिस आएंगे।